हाँ तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ऐसी जगह जो कि मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि महज 100 किलोमीटर दूर कोटा से है। अब हम भवानी मंडी जाएंगे। भवानी मंडी से हम बानपुरा तक बस से पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हम ऑटो लिए हैं हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। भानपुरा से मिनी गोवा तक जाने के लिए कोई भी ऑटो वाला ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये आपसे लेगा। अब बढ़ते हैं हमारी खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ। जब नीचे से ऊपर किले में चले गए, ऊपर से नीचे आ गए। किले अलग बात, नहीं अलग है। की बात क्या है, किले में अच्छा ऊपर से नीचे उतर में बहुत हुआ है, स्लिप मारे पाओ। चलो 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 ना, ऊपर चढ़ने में अब हम हमारी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। आपको गाड़ियों से देख के अंदाजा हो चुका होगा कि कितनी भीड़ होगी। यहाँ हम अगस्त के बाद नहीं जा सकते क्योंकि पूरे इलाके में पानी भरा जाता है। यहाँ से ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें दिख रहा है एवं बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर। बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग आ रही है, एकदम मस्त। अब हम ऑटो से उतर चुके हैं, ऑटो से उतर चुके हैं अब हम सभी एक्साइटेड हैं बहुत ही। हाय गाइस, हम आ गए हैं, ये देखिए जो कि भानपुर बिगड़ी गई थी। देख सकते हैं आप बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। दूर दूर तक पत्थरों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे लोग बैठे हुए हैं, मुझे हमारे दोस्त मस्ती करते हुए। आया हो ना, सबका आ रहा है वीडियो। ये वीडियो यार मेरी बना दे भैया, यार मुझे डालना है भाई। देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत सारी भीड़ है, काफी बच्चे सब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ फोटोशूट के लिए घोड़े भी उपलब्ध हैं, फोटोशूट करवा सकते हैं आप 10-20 रुपए लेके। कौन है पड़े। हाँ
ये हमारा दोस्त दूसरों की फोटोग्राफी करते हुए रुक जा दो मिनट, ये यूटी वाले दोस्त डूब गया डूब गया, और निकालो निकालो, डूब गया और डूब गया। हम सभी मस्ती करते हुए ये गोरो भैया रील बनाते हुए इधर आज मुझे पानी पानी पी हम रास्ते में गए हैं खाना खाने के लिए। पास में हमें कुआं दिख गया है जहाँ से हम पानी वानी की व्यवस्था करेंगे। ये हमारा ऑटो खड़ा है यहाँ पे और ये मेरे दोस्त लोग पानी भर रहे हैं। ये मैं ये खाने का प्रबंधन करते हुए राम निवास गौरव ये ऑटो वाला भैया हमारे रास्ते में बहुत पिया इन्होंने ठेके ठेके पे रोक के। ये हमारे कपड़े सूखे नहीं है हम गिल। मिनी गोवा की जर्नी यही समाप्त होती है। यहाँ से हम ताकाजी महाराज की ओर बढ़ते हैं जो कि एक प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर है जो पूरी तरह से जंगल के अंदर स्थित है। अब हम आपको जंगल के रास्ते होते जंगल बहुत ही घना जंगल आएगा आगे जो आपको हम आगे दिखाएंगे। थोड़ा सा वीडियो को स्पीड बढ़ाते हुए यहाँ से आप देख सकते हैं ताकाजी का बोर्ड दिख चुका होगा आपको और ये रहे हमारे दोस्त। हिंगलाजगढ़ उधर है वो वाला रास्ता। अबे उसे अंत से खराब रास्ता होगा मिनी गोवा का। रोड का कार्य होने से हमको पूरा ताकेश्वर महाराज तक सीसी रोड बन गया। ये हमारा ऑटो आ रहा है इधर, हम बाइक से देखने आए थे रास्ता आगे। अभी छोटा है सर पैसा मीने को कस पटेल 6-7 दिन में बढ़िया रोड है साइड आप भरा का ये तो अभी है ना 10% है मम्मी वीडियो मिली जो थी मेन नाम सा झरना वो इधर है झरना ओके पानी झरना इधर है झरना तो नहीं झरना फोटो खींच रहे ना खींच रहा ना ना नहीं खींच रहा यार फोटो अबे वीडियो बनाना है ये तेरा वीडियो बना लिया ले फोटो को यहीं स्टॉप करके अब हम नीचे सीढ़ियों की ओर चलते हैं ताकेश्वर महाराज के पास। बहुत ही नीचे सीढ़ियाँ हैं इसमें कम से कम लगभग
100 सीढ़ियां होगी। वहाँ पर लंगूर मैं बोल रहा था ना, चने लेके आए ना। आपके सारे पाप धुल जाते हैं एवं कोई सी बीमारी हो आपके सारे चर्म योग रोग जो रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। एक बार आप जरूर आकर विजिट करिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंगल है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हरियाली ये सब हम और नीचे जाते हुए कुंड बहुत गहरी है बेटा। वो ये वाली हाँ पर वो कहाँ है, झरना कहाँ है? झरना यहीं है, चलो अभी नहीं दिखेगा वो, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना वैसे दिखेगा, इसका रहस्य है। अच्छा यहाँ से नहीं दिखेगा तुम्हें कभी भी, और नीचे जाएंगे अभी और अभी नीचे वहाँ पे जाओगे तब दिखने लग जाएगा। मैं बड़ा कलर ले लो वन को। अच्छा ऐसा क्यों कि मैं टाइम खत्म हुआ, चलो हम तो वही जाए वापस। निकला ऐसा अभी कुछ वो है कि मतलब वो दूर से देखने पे नहीं दिखता। हाँ देखना अब दिखेगा, चलता है अभी पता नहीं, गर्मी में भी चलता है ये, अभी तो बारिश है, बारिश में तो अच्छा चल रहा होगा। ये हमारे जानवर तो हमारे साथ ही चल रहे हैं, जानवरों से हमें क्या। हाँ राम निवास जी आइए आइए आपका। इसकी कहानी तो देख, यहाँ वालों से पूछ मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है मैं बाद में बताऊंगा। पेड़ तो देख कितने लंबे है, बहुत ही शानदार पेड़ एवं नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं। ये देखिए क्या शानदार पेड़ है आप एक बार। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे चमत्कारी कुंड के पास। यहाँ पानी कांच की तरह सुंदर रहता है, लेकिन रोड के काम चलते के कारण पानी जो रोड का जो सीमेंट का घोल है वो इसमें आता है, जिससे पानी गंदा हो जाता है। लेकिन इसमें पानी पीते हुए तो आपके सारे कर्म नष्ट हो जाए। ये पानी है ना बोतल ले। गर्मी में भी नहीं बंद होता। अच्छा ये गर्मी में भी बंद नहीं होता और यहाँ पिसल मत जाना ठीक है, कहीं हमें पूरा नहीं, गर्मी में कम हो जाता है बंद नहीं होता है। कहीं दिखे नहीं पूरे पेड़ ही पेड़ ये अंकित वो तो ऊपर ही ऊपर ही ऊपर पेड़ पौधे में सेम ऐसा ही है घेरा, बहुत खतरनाक सीन होते हैं। यार फोटो शूट होते हुए जंगल में मंगल का फोटो खींचे यार, इधर का फोटो खींचे यार। हाँ चलिए अब मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, छोटा सा मंदिर, लेकिन हनुमान जी वीर हनुमान जी के रूप में यहाँ बैठे हैं। यहाँ भोले बाबा की सवारी नंदी बैठे हैं, विराजमान हैं। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं बाबा की ओर, और ये रहे शिवालय। यहाँ गुरु जी प्रसाद नाम का मंदिर है, ये देख सकते हैं आप। एक और हनुमान जी महाराज, माफ करिएगा, नारायण जी का मंदिर है ये, ताकेश्वर महाराज जी का। यहाँ बाबा के दर्शन करके हम निकल चुके हैं। ये भी एक नेचुरल ये वाटरफॉल है, ये भी नेचुरल है। पुराना खंडर दिखा हमें जो कि पहले भी वीडियो में कैप्चर हुआ होगा। वो पी नहीं रहा, दिख नहीं रहा। लंगूर है यहाँ पे बहुत ही सारे, बहुत सारे भक्त जन आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ ऐसे झरने हैं जो 12 महीने चलते हैं, भले थोड़ा पानी आता है लेकिन आता है 12 महीने तक, पता नहीं बहुत साल। क्या खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ शांति का स्वर्ग में आ गए हैं जैसे हम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है।
बहुत ही शानदार व्यू। यहाँ सभी वापस हम अपने ऑटो वाले भैया के पास जाते हैं। ऑटो वाले भैया आराम से नींद निकाल रहे थे, उनका नशा भी निकल चुका है अब आराम से। बागेश्वर महाराज घूम के हम निकल पड़ोंगे स्टेशन वापस अपने स्थान पे घर की ओर। और ये ट्रेन है आने वाली है, स्टेशन पर पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ हमारा दोस्त है जो कि सेकेंड ट्रेन से वो वापस आता है और हमारी ट्रेन छूट जाती है और दो दोस्त इसके लिए चले जाते हैं।